महाविद्या को जागृत करने से क्या फल मिलेगा मित्र? मुझे महाविद्या के विषय में विस्तार से बताइए। जब समझा रहूंगा तभी उस महाविद्या को जागृत करने में मैं आपकी पूर्ण रूपेण सहायता कर पाऊंगा। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस विषय में प्रभु को बताऊं। आज्ञा है नंदी। प्रभु, हमारी माता के 10 विभिन्न रूपों को इस संसार में 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। अर्थात ये महाविद्याएं आपके हैं मित्र। आश्चर्य किंतु सुखद। आगे बताइए नंदी जी। और पहली महाविद्या है महाकाली। ये महाकाली कौन है नंदी जी? उनका पूर्ण परिचय बताइए। महाकाली ही जगत जननी है, योग माया है, संहार की देवी है। उनका रूप अत्यंत विकराल है, उनका रंग गहरा श्याम है और वो चतुर्भुजी हैं प्रभु। उनके एक हाथ में खड़ग है और दूसरे हाथ में नरमुंड और उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वरद मुद्रा में। सत्य, आपके वर्णन से महाकाली का रूप विकराल प्रतीत हो रहा है। हाँ प्रभु, और महादेव उनके इस रूप में महाकाल अर्थात मृत्यु का भक्षण करने वाले और काल अर्थात समय को नियंत्रण करने वाले स्वरूप में सदा उनके साथ रहते हैं। और इस प्रकार महाकाल और महाकाली काल के नियंत्रक हैं और प्रभु मृत्यु उनके अधीन ही रहकर कार्य करती है और उनका महानृत्य ही सृजन का स्रोत है। सृष्टि के पालन और संहार का मूल भी उनका महानृत्य ही है प्रभु। नंदी जी, महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई थी? महाकाल के महानृत्य से ही हुई थी प्रभु। उस समय की है प्रभु जब सृष्टि के आरंभ में नारायण चीर निद्रा में सो रहे थे और नारायण के नाभि से निकली कमल पर विराजमान ब्रह्मदेव भी सो रहे थे। तब नारायण के कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो असुरों ने जन्म लिया था। हम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं, कनक श्रृंग नगरी। भविष्य में यह नगरी अनेकों नामों से प्रसिद्ध होगी। उनमें से सबसे प्रसिद्ध नाम होगा
उज्जैन। नंदी जी, ये उन्मादी लोग कौन है? मित्र हिंसा पर क्यों उतारू हूँ? ये उस विनाशकारी मेघ का प्रभाव है प्रभु। इन्हें इनके उन्माद से रोकना होगा नंदी जी, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। और ये कार्य केवल आप ही कर सकती हैं माता। आप अपना महाकाली रूप प्रकट कीजिए माता, और इनका संहार कर दीजिए। महाकाल बनकर तूने और महाकाली ने मेरे द्वारा निर्मित प्रलय के मार्ग में अवरोध बनकर अच्छा नहीं किया। भ्राता, बाल शिव ने केवल प्रलय को ही तो रोका है, परंतु महादेव तो नहीं बना, तो चिंता किस बात की? अजामुखी, यदि बाल शिव इस प्रकार मेरी प्रलय के मार्ग में बाधा बनता रहा तो हाथ में आया अवसर निकल जाएगा। तो किस अवसर की बात कर रहे तारका? अपने आधिपत्य के अवसर की बात कर रहा हूँ माता। मैं समझी नहीं। यदि मेरी स्वजनित आपदाओं पर बाल शिव इसी प्रकार तुषारापात करता रहा तो मेरी योजनाएं कभी सफल नहीं हो पाएंगी माता। क्या है तेरी योजना माता? प्रलय के पश्चात सृष्टि का पुनः निर्माण होगा, तब मैं गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर इस सृष्टि पर अधिकार और समस्त देवी देवताओं को अपने अधीन करना चाहता हूँ। इस संपूर्ण सृष्टि पर अपना एक अधिकार चाहता हूँ मां। तो एक प्रलय के निरस्त होने से इतना निराश क्यों हो रहा है तारका? तेरे पास 9 प्रलय शेष है, तू अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर। सत्य का, अब मैं अगली प्रलय में ऐसी विनाश लीला रचूंगा कि बाल शिव जाकर भी उस पार्वती के साथ इस प्रलय को रोक नहीं पाएगा। आपकी अगली प्रलय कैसी होगी भ्राता? सूर्य का अंत। क्या सोच रही है मित्र? जब आपको ही अपनी शक्ति, अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं है महादेव, तो मैं आपको क्या बताऊं? मित्र, आपको पता है आपने इन सबको ठीक कैसे किया? मैंने कहा कुछ किया? मैंने तो बस अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की कि सभी मृत व्यक्ति मनुष्य बनकर जीवित हो जाए, और देखिए सब जीवित हो गए। मित्र, सच्चे और शुद्ध मन से की गई प्रार्थना सदैव पूरी होती है ना? कि आपकी स्मृति वापस नहीं आई महादेव, आपको भान नहीं है कि आप ही महादेव हैं और आप ही महाकाल। मेरी तो अभिव्यक्ति और अनुभूति दोनों ही शून्य होती जा रही है महादेव। मित्र, पहला संकट तो टल गया, अब हम कहां जाएंगे? हम कामाख्या जाएंगे प्रभु, जहाँ दूसरी महाविद्या माँ तारा अपने महादेव तारकेश्वर के साथ विराजती है। उनका स्वरूप कैसा है नंदी जी? ये भी महाकाली के भांति ही रौद्र रूप की स्वामिनी है। इनका भी चतुर्भुजी स्वरूप है प्रभु, अर्थात इनके भी 4 हाथ हैं। हाँ प्रभु, ये अपने दाहिने
ऊपरी हाथ में कमल धारण करती है और निचले हाथ को सदा आशीर्वाद की मुद्रा में बनाए रखती है, और वाम भाग के ऊपरी हाथ में खड़ग, गले में सर्प और राक्षस नरमुंडों की माला शोभा पाता है। मां तारा उग्र भी है और विचित्र भी, और कृपालु इतनी कि विष को भी अमृत बना दे। तभी तो विष पाई महादेव उनके साथ अशोभ्य हैं प्रभु। तात्पर्य? तात्पर्य हलाहल पान के पश्चात भी वे मां तारा के द्वारा ही पोषित हैं, इसीलिए निर्विकार भाव में रहते हैं सदा, ना दुख ना शोक ना ग्लानि, सबसे परे। कामाख्या क्षेत्र में मां तारा का निवास कहाँ है? नीलांचल पर्वत पर प्रभु। एक समय की बात है प्रभु, जब देवराज इंद्र और अन्य देवतागण भ्रमण पर निकले थे, उनमें से एक देवतागण ने नीलांचल पर्वत को दिखाकर कहा कि इस पर्वत को कोई नहीं हिला सकता, और ये सुनकर देवराज इंद्र के मन में अपनी शक्ति का अहंकार जाग गया और वो तत्क्षण उस पर्वत को हिलाने का प्रयास करने लगे। परंतु उसे हिलाना क्यों असंभव था नंदी जी? क्योंकि उस पर्वत को मां तारा ने स्तंभन करके अपना निवास बनाया था प्रभु। रुकिए। अमंगल। क्यों विघ्न डाला हमारे शुभ कार्य में? जानने के लिए क्यों मारे हैं आप कृष्णदेव पशु को? अपने इस तारा माता और महादेव को प्रसन्न करने के लिए। जीव हत्या से आपके इष्ट देव प्रसन्न हो जाएंगे? यही हमारी पूजा और उनको प्रसन्न करने की विधि है। तभी वे प्रसन्न होकर संसार पर छाए हुए संकट को दूर करने के लिए क्षीण होते सूर्य को पुनः ऊर्जावान होने के लिए अपनी शक्ति देंगे। अब हट जाओ हमारे कार्य के मध्य से। ये पूजा नहीं, असहाय मूक जीव की हत्या है, और जीव हत्या पाप है, अमानवीय है, क्रूरता है। अपने जन इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए आप लोग इसके प्राण लेने जा रहे हैं। उनके भीतर भी उनकी ही शक्ति का अंश है। बालक, प्रवचन देना हमारा कर्म है, तुम्हारा नहीं, इसलिए अब हट जाओ हमारे मार्ग से और हमें हमारी क्रिया करने दो। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ। मेरे विचार से तंत्र साधना में जीव हत्या का जो विधान है उसका संबंध इष्ट देव की प्रसन्नता से कम और बलि देने वाले के भीतर विद्यमान पार्श्विक वृत्ति और विकार से अधिक है। असली बलि उन विकार रूपी पशुओं की देनी चाहिए। आप सब इन निरीह पशु को ना मारकर अपने भीतर बैठे पशुओं को मारिए। अपने मैं, अपने अहम के बलि दीजिए। मैं की बलि इष्ट देव की प्रसन्नता का मूल है, उनसे सीधा जुड़ने का मार्ग है। इसलिए पशुओं की हत्या करके पाप के भागी मत बनिए। आपका ये उपकार और ये उपदेश हम जीवन भर नहीं भूलेंगे।
आज आपने हमारे अज्ञान का अंत कर ज्ञान के चक्षु खोल दिए। आपकी वाणी सुनकर ऐसा लगा मानो साक्षात महादेव के श्रीमुख से अमृत वाणी सुन रहा हूँ। जा दुश्चेत जा और मुक्त कर हमको बच स्त्री की हाय से। स्त्री की हाय से तो पत्थर पिघल जाता है, तो तू क्या है? बलासुर हूँ मैं, महादेव से वरदान प्राप्त बलासुर। सहस्त्र छोड़ी के दराजों का बल है मुझमें। मुझे पिघलाने की शक्ति तुम स्त्रियों की हाय में नहीं है, इसीलिए इस भ्रम को निकाल दो और चुपचाप मुंह बंद करके मेरी दया के लिए पड़ी रहो। श्रीफल के समान होता है, जो ऊपर से कठोर और भीतर से मृदु मथुर और कोमल होता है। मैं जानता हूं माता के क्रोध के पीछे छिपी मंगल भावनाओं को। वो क्रोध सदा संतान के कल्याण के लिए करती है। यह सुर भी आपके ही संतान है और माता अपने संतान का वध नहीं करती, उन्हें वरदान देती है। तो आप अपने संतान का वध कैसे कर सकती है? ये माता के चरित्र के विरुद्ध होगा देवी, इसलिए आप अपने क्रोध को त्याग कर उसे क्षमा कर दीजिए और उसे सुधरने का अवसर दीजिए। यह सत्य है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में तमो गुण की अधिकता है, परंतु तमो गुण होने का अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम आचारहीन बन जाओ, विचारहीन हो जाओ, स्त्री का सम्मान भूल जाओ। स्त्री जननी होती है और जननी का सम्मान करना तमो गुणी, रजोगुणी और सतोगुणी तीनों का धर्म है, इसलिए उन्हें मुक्त कर दो और उन्हें प्रताड़ित करना छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाओ। प्रभु, क्या आप माता शोरशी के विषय में सुनना चाहेंगे? हाँ
कहाँ बताइए नंदी जी। माता षोडशी के अनेकों नाम है प्रभु, जैसे माता त्रिपुर सुंदरी, माता ललिता, माता लीलावती, माता राजेश्वरी आदि। हाँ मित्र, और तीसरी महाविद्या श्री की अधिष्ठात्री है, जगत को श्री प्रदान करती है। मित्र, श्री का तात्पर्य? श्री का अर्थ है शुभता, कांति। श्री से संपूर्ण संसार कांति में है। समस्त देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों, सूर्य चंद्रमा की आभा है। श्री से ही स्वर्ग स्वर्ग है। यदि श्री ना हो तो संपूर्ण संसार निस्तेज और कांतिहीन हो जाएगा मित्र। तब तो श्री के बहुत महत्ता है। हाँ मित्र, कामना यही है कि संसार कभी श्रीहीन ना हो। मित्र, प्रलय के तीसरे चरण में क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरे चरण का प्रलय संसार के श्री को प्रभावित करेगा? इसकी ही प्रबल संभावना है मित्र। तब तो हमें श्री की रक्षा हेतु श्री की देवी त्रिपुर सुंदरी को जागृत करना होगा मित्र। हमें संभावनाओं को सत्य होने से रोकना होगा। सही कहा आपने मित्र, यदि तीसरी प्रलय को रोका नहीं गया तो संपूर्ण संसार से कांति समाप्त हो जाएगी, प्रकृति विद्रूप और विभत्स हो जाएगी मित्र। इसलिए तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी को जागृत करना ही होगा और प्रलय के दुष्प्रभाव का नाश करना होगा। मित्र, इससे पहले भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी क्या कि श्री की देवी त्रिपुर सुंदरी को जागृत करने की आवश्यकता पड़ी हो? सत्य कहा आपने, बुरे और अनैतिक कर्मों का फल सदा बुरा होता है। हाँ प्रभु। प्रभु वो देखिए, हम माता षोडशी के शक्तिपीठ पहुंच गए प्रभु। धरती में यह कंपन कैसा? ये भूकंपन तीसरी प्रलय का आरंभ है। ये पंचतत्व क्षिति चल पावक गगन समीरा के अनियंत्रित होने का संकेत है। यदि इसे समय पर ना रोका गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विघटित होना निश्चित है। माता, इसे रोकने का उपाय क्या है? इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है, तीसरी महाविद्या षोडशी और पंचवक्र एकनाथ को जागृत करना होगा। महाविद्या षोडशी, इस पंचभूता प्रकृति की लयात्मकता और सामान्यता के हम ही सूत्रधार हैं। यह संपूर्ण प्रकृति हमसे ही संबद्ध है, हम ही इनके आधार हैं और हम ही इनके पालक। Thank you.
मैं करूंगा विश्वान। इस संसार का दुख मेरा दुख है, इसकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, इसकी वेदना मेरी वेदना है। महादेव, अब आपको इस विष को सदा अपने कंठ में ही रखना होगा, और यदि ये विष आपके उदर में चला गया तो उसका दुष्परिणाम संपूर्ण ब्रह्मांड पर होगा।